साहब ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए, आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी, मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था, अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं, हम तो रिसीविंग एंड पर है भाई, झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे, भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बन रहे हैं। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो, हर बिल आता है नहीं, मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो, मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हम हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे, सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या, सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था, मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई, विधानसभा बुलानी है नहीं है, ओवैसी जी आप मुगालते में है, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है, ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ, अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं, मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए, राजीव रंजन जी लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए, लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी,
ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थ नीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।